पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची यकजहती रैली आयशा मंजिल से प्रेस मार्केट की जानिब गामजन। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार फोड़ो, कराची डिवीजन के सदर सईद वनी, बकार मेहंदी और दीगर रहनुमा रैली में शरीक। रैली में जियालों के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली के रास्तों पर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम। कोरोना वबा के पेश नजर SOPs का भी भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक यकजहती रैली किसी जमात के खिलाफ नहीं बल्कि नफरत और लसानियत के खिलाफ है। हैदराबाद में MQM के मार्च पर वजीर इत्तला'आत और बलदियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का शदीद रद्द अमल। कहा मुत्तहिदा का हैदराबाद में मार्च किया अपने ही खिलाफ है। वो हैदराबाद में 34 सालों से बल्दिया के मालिक हैं, 2 साल से वफाकी हुकूमत में हैं, मगर अब तक 1 टका भी हैदराबाद को नहीं दिला सके। मुत्तहिदा की वफाकी हुकूमत के बरअक्स हमने कराची व हैदराबाद के बल्दियाती इदारों को तहफ्फुज़ और पैसा दोनों दिया। सिंध की तकसीम ना मंजूर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा सिंध को तोड़ना पाकिस्तान को तोड़ने के मुतरादिफ होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो तरदारी सिंध का केस लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी में साजिशों का मुकाबला करने की भरपूर हिम्मत है। वजीर इत्तला'आत व बलदियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा हम अवामी ताकत से एक बार फिर गिलगित बल्किस्तान में इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन गिलगित बल्किस्तान की आवाम का असल विजन है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में आज हम गिलगित बल्किस्तान में पहले से कहीं ज्यादा मुतहरिक और मुतहद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तला'आत व रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा ऑर्डिनेंस गैर आइनी, गैर कानूनी, काबिल मजम्मत और सूबाई हुकूक पर बराह रास्त डाका है। विफाक को इस किस्म का डाका डालने की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। विफाकी हुकूमत के जारी करदा ऑर्डिनेंस पर इस वक्त सिंध के अवाम शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा व सूबाई वजीर शैला रजा ने ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हुए कहा कराची के जज़ायर सिंध की मलकियत हैं, इन जज़ायर को किसी सूरत वफाक के हवाले नहीं होने देंगे। सिंध में कोरोना के मजीद 267 केसेस सामने आ गए। 24 घंटे में मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। अवाम एहतियात करें, कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। मोटरवे ज्यादती केस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मीडिया कवरेज रोकने का हिदायतनामा मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तला'आत डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा पैमरा का शाही फरमान सिलेक्टेड हुकूमत की गैर संजीदगी और नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश है। मोटरवे पर ज्यादती का शिकार बनने वाली खातून इंसाफ की मुंतजर है। नाअहल हुकूमत मरकजी मुल्जिम का सुराग लगाने में ताहाल नाकाम हुई है। मीडिया पर मुसलसल आवाज उठाने के बाद अब केस की कवरेज को रोक कर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।